यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम एग्जाम से 1.5 डेज पहले कैसे रिवाइज करें और बहुत सारे बच्चों के तो इस बार एग्जाम्शन है इन द इकोनॉमिक लॉ वाले सो इकोनॉमिक लॉ इलेक्टिव पेपर एक्जेमटेड तो उस पर्टिकुलर केस में यू आर है थ्री डेज इन योर हैंड तीन दिन कैसे रिवाइज करना है क्या करना है तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ अगले फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में कि क्या क्या चीजें ऐसी है जिसपे आपको ध्यान देना है और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में आएगी तो लेट्स गेट रेडी और यह वाला फाइल आपको कहां पे मिलेगा टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप कैसे हम ढूंढ सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना है इस वाले पे क्लिक करना है बीबी सर करके एक वेरीफाइड चैनल है जस्ट क्लिक दैट एंड आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा ओके okay. मैं यहाँ पे जो जो चीजों का रेफरेंस देने वाला हूं आपके पास मैं कॉम्पैक्ट जो है वो मे नवंबर टू वाला है उसका रेफरेंस दूंगा क्वेश्चन का एज वेल एज द कंपाइलर मे नवंबर टू और आरटीपी आईसीआई वाला है उसका रेफरेंस दे सकता हूँ और साथ में सुपर थर्टी क्वेश्चन सुपर थर्टी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन फ्री रिसोर्सेज या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे गाइज so पहली चीज तो यह है कि आपके एग्जाम के लिए मे 2023 के लिए जो भी आरटीपी एमटीपी जो दे रखा है आईसीआई ने जस्ट आपको करना चाहिए

उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन हेड की तो कैपिटल गेन हेड में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए वन इज द फिफ्टी बी स्लम सिल मुझे ये लगता है, इस बार भी स्लम सिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है आफ्टर दैट नाइन बी एंड फोर्टी फाइव फोर इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन अभी तक इस पर क्वेश्चन आया नहीं है वो आपको ढंग से देखना है तो फिफ्टी बी के लिए स्लम सेल का क्वेश्चन आपको कहां से देखना है आप कॉम्पैक्ट में देख सकते हैं पेज नंबर है तो सुपर 30 में भी, मैंने दे है, 4. तो आप वहां से भी देख सकते हैं है, तो सुपर थर्टी सेल वो आप देखेंगे उसके बाद नाइन बी एंड से रिलेटेड आपको क्या करना है एग्जाम्पल दे रखा है कॉम्पैक्ट में ऑन द पेज नंबर प्रेम वाला और वो एग्जाम्पल आप ढंग से करके जाएंगे मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में इस बार यहां से बारेंगे.

दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44 इन द कंपाइलर तो कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर टू आई थिंक मलिश का ऐसा कुछ नाम है करके, ठीक है? उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर उसमें की exemption क्यों नहीं ली है क्योंकि जब आपका हैंडओवर हुआ that is called transfer. Transfer की date से 2 इयर्स के बाद में उसने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया है उसके बाद में आप जो है वो सेक्शन वन वन टू बनेगा एज वेल एज होल्डिंग सब्सिडी के बीच में ट्रांसफर होता है ट्रांसफर करके ठीक है, है वो वो ये बोलती है कि साल के अंदर अंदर कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए और होल्डिंग का रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए अदरवाइज पहले कैपिटल गेन लगा था एक्शन पहले, पहले मिला था चार्ज हो जाएगा इन दर ट्रांसफर टू प्लेस तो वो वाला पार्ट आप एक बार देखेंगे एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड और स्टॉक इन ट्रेड इंटू द कैपिटल अट ये वाला पार्ट आप देख के जाएंगे तो कैपिटल गेन में दिस पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल एज मुझे ये लगता है कि इसमें से आपको एग्जाम में टेन मार्क्स के करीब क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा उसके बाद में कंपाइलर से आप कौन कौन से क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे कैपिटल गेन टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर टू जो है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड क्वेश्चन नंबर नाइन इलेवन ट्वेल्व सेवेंटीन ट्वेंटी फोर थर्टी वन एंड फोर्टी फोर इतने क्वेश्चन आपको कंपाइलर से देख के जाना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन चलिए

एग्जाम्पल्स दे रखे ऑन द पेज नंबर वन एटी सेवन वो जो चार एग्जाम्पल दे रखे ना वो आप एक बार करके जाइए बिकॉज स्ट्रिपिंग नाउ इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द शेयर एज वेल एज और एग्जामिनर उसको टेस्ट कर सकता है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है उसके बाद डिविडेंट डिम डिविडेंट वाला पार्ट है वो आप देखेंगे बट डिविडेंड डिविडेंड डीम में आप एक काम करिए सीधा डिडेंडीडेंग्जाम्पल नंबर एंड ऑफ द पेज नंबर गिवन इन द कॉम्पैक्ट तो कॉम्पैक्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है ना कॉम्पैक्ट में एक ही क्वेश्चन आई थिंक उससे रिलेटेड डिविडेंड डीम डिविडेंड वो आप एक बार देख के जाएंगे उसमें एक चीज समझना डिविडेंड वाले में आपको एम वाला आई थिंक हियर आई हैव गिवन द एक् वन एंड टू देर विल बी ओनली वन एक्साम्पल रिलेटेड टू द डिविडेंड तो वो डिविडेंड में वन एम वाला जो डिडक्शन है वो देखेंगे वेल एज well एक चीज ध्यान रखना डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड से जो भी इनकम होती है वो इनकम पे ओनली इज अ वन डिडक्शन दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लाइक शेयर्स और यूनिट्स तो ओनली इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होता है अंडर सेक्शन सेवन एंड दैट शुड भी अप टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ इनकम मीस डिडेंट और यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम होगा उसका ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता तो मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट तक अलाउ होता है ये चीज आप ध्यान रखेंगे लिक्विडेशन एंड बाय है उससे रिलेटेड लिक्विडेशन

आप कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अच्छे से देखेंगे एक तो सेक्शन इलेवन वन में जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है उसको अच्छे से देख के जाएंगे अमेंडमेंट में वहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन एड हुई है एक एक्सप्लेनेशन तो ये एड हुई है वहां पर ट इज आपको पता है कि अगर टेम्पल है चर्च है मॉस्क है गुरुद्वारा है और उनको अगर डोनेशन मिलता है करके ठीक है रिपेयर रिनोवेशन के लिए दे कैन ट्रीट एज अ कॉर्पस डोनेशन उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल सकता है या फिर तीन चार मार्क का छोटा सा थियरिटिकल क्वेश्चन मिल सकता है उसके बाद में एक और चीज समझता हूँ आपको याद रहेगा कि अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट बेसिस एप्लीकेशन मिलता है तो पेमेंट बेसिस एप्लीकेशन मिलता है वो वाला पार्ट आप देख के जाएंगे उसके साथ साथ में रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व बी में एक स्पेसिफाइड वायलेशन वाला है कि कुछ केसेस में स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है और वो कैसे कैसे होता है क्या होता है वो प्रोसीजर आप देख के जाएंगे 115 BBI and 1310 है, ये दो अमेंडेड सेक्शन है न्यू सेक्शन है वो आप देख के जाएंगे उसके क्वेश्चन कहां से करेंगे तो क्वेश्चन आप कहां से करेंगे? एक तो एग्जाम्पल मैंने कॉम्पैक्ट में देखा ऑनज नंबर टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन वो आपको करना है

उसके बाद अगर मैं डिडक्शन की बात करूं और डिडक्शन टेन डबल टी का वन थ्री करेंगे, और क्वेश्चन सुपर थर्टी से तो आपका काम बन जाएगा एसीजेड e वाला मैट के लिए क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेवन है वो सुपर थर्टी से करना है और फिर आप कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर फोर एट ट्वेल्व थर्टीन सिक्सटीन है वो आप देखेंगे ए से सिर्फ कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर टू है वो थे

एंड ट्वेल्व ऑफ द सुपर थर्टी आप ये चार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट फंड एंड ऑल इनकम बट इन सिक्योरिटा ट्रस्ट ऑल इनकम ट्रस्ट एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्से की अगर मैं बात करून आप क्वेश्चन कर लीजिए सिर्फ आप क्वेश्चन पे चले जाइए अगर आप पूरा रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं अदरवाइज आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से देखने हैं तो आप कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर वो देख लीजिए करके ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्टी एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एटीपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड गाइस दिस टाइम मैं आपको लिख के दे सकता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है

सुपर थर्टी एंड आरटीपी दिस बोथ क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली एटीपी से रिलेटेड है उसके साथ साथ में आपको 115 बीएडी को टेस्ट किया है 115 बीएडी को टेस्ट किया है एटीपी से रिलेटेड है इसमें ए एम टी वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा काफी कॉन्सेप्ट को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाए हैं तो प्लीज डू दिस टू टू क्वेश्चन उसके बाद सर रिटर्न फाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर में ज्यादा तो ध्यान देंगे एक तो 139 किसको करना है, नहीं करना है और उसमें वो वाले जो पांच लोग है एक तो आपको पता है ना जिसका टर्न ओवर सिक्सटी से ज्यादा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या फिर ग्रॉस रिसिट इन केस ऑफ प्रोफेशन टेन लैख से ज्यादा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर मोर देन वन लैक फॉरन ट्रेवल एक्सपेंडिचर मोर देन टू लैख आपका कैश लाइक कैश और एनीथिंग और डिपोजिट आपके बैंक अकाउंट में हुआ है करके ठीक है दैट डिपोजिट इज मोर देन वन करोड़ इन केस ऑफ द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट फिफ्टी लाख रुपीज और मोर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टीडीएस टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है कलेक्ट हुआ है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और मोर है या इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और मोर है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एग्जामिनर इसको एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है उसके साथ साथ मुझे लगता है आपको चार मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड मिल सकता है उसके बाद में वन थर्टी नाइन डबल ए करिएगा पेन नंबर वाला और कर लीजिए और पेन नंबर में इज इज अमेंडमेंट दैट पॉइंट नंबर करके कि भैया आपको और किसको पेन के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वो पॉइंट नंबर जहां अमेंडमेंट है पेन वाले में वो भी आप देख के जाइएगा वन थर्टी ए टेज रिलेटेड टू अपडेटेड रिटर्न और मैं बता दूं इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड इस बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में करके ठीक है उसके बाद में वन फोर्टी थ्री वन दैट इज रिलेटेड से रिलेटेड है आपको मैंने कॉम्पैक्ट में ही दे रखा है जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस वहां पे मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है इन द बुक जस्ट आप एक बार उसको रीड कर लीजिए सो फेसलेस असेसमेंट में आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है जस्ट आप एक बार उस सिक्वेंस को रीड कर लीजिए कहां से कैसे क्या हो सकता है अगर एक्साम एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आना चाहिए बट अगर आ जाए तो आप थोड़ा बहुत कुछ लिख पाए तो इसके लिए आप वन

और कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर में जस्ट उसको रट्टा मार लीजिए उसको रीड कर लीजिए अच्छे से उसको रट्टा मार के जाइएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाए बिकॉज दैट इज अमेंडमेंट उसके बाद कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर टू थ्री फाइव एंड थर्टीन है दैट यू हैव टू डू उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की मैं अगर बात करूं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एक बार आप कॉम्पैक्ट से रीड कर लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने दिया है इन द एडेंडम ऑफ द कॉम्पैक्ट और उसका लिंक आपको ये दे रखा है इसमें जाएंगे तो एक मैंने छोटा सा वीडियो डाला था दैट यू नो दैट दैट इज रिलेटेड टू एडेंडम ऑफ द कॉम्पैक्ट करके ठीक है तो कॉम्पैक्ट में कुछ चेंजेस एज वेल एज उसी में मैंने एक क्वेश्चन डाला है जो आईसीआई ने दे रखा था तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा उसके बाद अगर मैं बात करूं टीडीएस टीसीएस की तो टीडीएस टीसीएस यस दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर द ट्वेल्व मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन और ट्वेल्ल मार्क्स आएगा ही आएगा देर इज नो ऑल्टरनेटिव आएगा ही आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे या क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे वहां पे एट मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा एमसीक्यू में और मिलेगा तो इट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कवर द ट्वेल्व मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन सर कौन कौन सी सेक्शन पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो आपको ध्यान देना चाहिए वन इज द सेक्शन वन आईए बिकॉज देर इज अमेंडमेंट इन वन आईए फोर मीन यहां पे जो भी मैंने सेक्शन दिया ना ये सेक्शन पे आपको ध्यान ध्यान देना ही देना है टीसीएस के सेक्शन को स्किप नहीं करके जाएंगे एग्जाम में टीसीएस पूछा जाएगा एग्जाम में टीसीएस विल कवर द फोर मार्क्स और बाकी वाला जो है वो टीडीएस टॉपिक कवर करेगा तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है और उसमें वन आर वाला पार्ट वन आर इज अ न्यू सेक्शन डोंट स्किप दिस और 194 नाइनटी फोर आर से रिलेटेड यू नो दैट मैंने कॉम्पैक्ट में आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है मैंने examples बना के दे रखी कि कहां पे 194 नाइन फोर आर में टीडीएस आएगा कहां पे नहीं आएगा जैसे डिस्काउंट के केस में नहीं आएगा बट डॉक्टर को फ्री सैंपल्स दिया तो आएगा करके ठीक है तो ऐसी जो चीजें बोनस शेयर दिए तो नहीं आएगा तो कहां कहां पे आएगा कहां कहां पे नहीं आएगा आप उसको एक बार रीड कर लीजिए आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनने वाला है आप क्या करेंगे सुपर थर्टी से एक तो क्वेश्चन नंबर एटीन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और मैं बता दू सुपर थर्टी में क्वेश्चन एंड ट्वेंटी थ्री केस से

ट्रांसफर प्राइजिंग विल ऑल्सो कवर द एट टू टेन मार्क्स इन द एग्जामिनेशन में कवर करता है कभी कभी भाई मिनिमम मार्क्स ट्रांसफर कराइज इज कवर इज गोइंग टू कवर बट ट्रांसफर प्राइजिंग एट मार्क्स और टेन मार्क्सो इन द एग्जामिनेशन एंड ट्रांसफर प्राइजिंग में स्टैंडर्ड चीजें हैं इन चीजों पर आपको ध्यान देना है एक तो रेंज कॉन्सेप्ट आई डोंट नो मुझे क्यों लगता है कि रेंज कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा पहले अभी तक रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया बट अब आपको मेरे को यह लगता है रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपकी आमलाइन प्राइज है वो टू

िनर है वो आपको क्वेश्चन पुट करेगा का आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट थर्टी परसेंट ऑफी पेनल्टीजर टीपी का जो पेनल्टीज है ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं किया तो जैसे थ्री सी फॉर्म में तो यू नो दैट देर इज अ वन लाख रुपए का पेनल्टी अगर आपने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में एक पेनल्टी लगता है दैट इज हंड्रेड परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू करके अगर आपको याद रहेगा तो. तो ऐसे पेनल्टी लगती है और उसके साथ साथ में आपको पेनल्टी है वो पेनल्टीज वो वाली भी लगती है अगर आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया तो वो मिस रिपोर्टेड इनकम माना जाता है ए का पेनल्टी भी लग सकता है तो वो अभी आप ध्यान देंगे तो आप कंपाइलर से क्वेश्चन कौन से करेंगे कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर 2613 22 23 24 ये करेंगे और सुपर 30 से क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर न ये आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे उसके बाद अगर मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात करूँ तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ढंग से देखना है एक तो बिजनेस कनेक्शन और बिजनेस कनेक्शन में जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में यू नो दैट एक वो पॉइंट है या अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में कोई भी गुड्स को सेल करता है या फिर कोई भी लाइक like, uh, उससे रिलेटेड उसको जो पेमेंट मिलता है वो अगर टू करोड़ रुपए से ज्यादा तो you know कनेक्शन माना जाएगा तो वहां पर जो वो दो लिमिट दे रखी है, है तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे उसके बाद में पोएम वाला कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली आपको याद रखना सेक्शन नाइन वन फोर एंड फाइव करके ठीक है इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एफ टी एस केस में उसके बाद में टेन ट्वेंटी बेसिकली है एनआरआई टैक्सेशन आपको करना है और वन वन ए वन वन एंड वन वन फाइव ए में एफआई आई और स्पेसिफाइड फंड और पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 जीए का ये चीज है इतना आप अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में अगर आप करके जाते हैं आपका काम बन जाएगा इजीली इसके लिए सुपर 30 में दिस टाइम आई हैव कवर द वेरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन सुपर थर्टी में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी एट लास्ट वाला है दैट इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ऑल और इनका मैं सब Super

के बाद क्लबिंग ऑफ इनकम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है उसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जाइए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में थ्री एंड ट्वेल्व वो देख लीजिए पेनल्टीज में डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं सुपर से क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दैट इज अ केस एंड कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर थ्री इलेवन फिफ्टीन आप देख लीजिए उसके बाद गार टॉपिक अगर मैं घर टॉपिक की बात करू तो ये टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में चार मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है हो सकता है कभी पांच मार्क का भी मिल जाए बट देखो ये टॉपिक ऐसा है ना इट स्टिल इट इज अ डेवलपिंग टॉपिक तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा करके ठीक है सो बेटर है आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाइए क्वेश्चन कौन से करेंगे कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर टू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे जो फुटप्रिंट लिमिटेड वाला है क्वेश्चन नंबर एट करेंगे जिसमें वो नाइन वाला शेयर होल्डिंग है करके ठीक है और वो उसमें डी का बेनिफिट लिया है तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे पास्ट एग्जामिनेशन जो कि कॉम्पैक्ट के लास्ट में दे रखे हैं पेपर उसमें से नवंबर 20 के पेपर से क्वेश्चन नंबर फोर बी है वो देख लीजिए दिसंबर 2021 के पेपर से आपका क्वेश्चन नंबर 11 ए है वो आप देख लीजिए तो आप इतना करके जाएंगे तो आपका गार वाला पार्ट हो जाएगा मेरे को ये लगता है इसमें से आपको एग्जाम में है वो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा अगर गार का क्वेश्चन जो भी आता है उससे रिलेटेड मिसलिनियस टॉपिक जो टॉपिक नंबर थर्टी आपके कंपाइलर में रहेगा उसमें से आपको ये क्वेश्चन से ये आपको करने हैं उसके बाद मॉडल टैक्स कन्वेंशन टैक्स ट्रीटी एंड बैप्सी जो लास्ट वाले इंटरनेशनल टैक्सेशन के तीन टॉपिक रहते हैं इसमें से मैंने आपको तीन तीन क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करके दिए हैं वो अगर आप तीन क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा करके ठीक है चलिए सो so, ये तो आपका रहा प्रैक्टिकल वाला पार्ट और यू कैन से दैट द जो आपको प्रैक्टिकल थियरी मर्ज करके अब है ना कुछ केस लॉस भी आते हैं एग्जाम में अगर कोई ये बोलता है केस लॉस छोड़ के चले जाओ मत पढ़ो करके आप पास्ट पेपर देख लीजिए लास्ट वाला जो पेपर था लास्ट वाले पेपर में दो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे एक पेप्सी फूड्स वाला था और एक और क्वेश्चन था आई थिंक दैट सिंधी दैट उससे रिलेटेड करके ठीक है तो दो क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड लास्ट वाला एग्जाम्पल एग्जाम में भी थे तो आप केस लॉस को ऐसे स्किप करके नहीं जा सकते मैंने यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी है ज्यादा केस लॉस नहीं है अगर आप ये भी ढंग से करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा आपका एग्जाम में काम बन जाएगा अगर आप ये केस लॉज अच्छे से करके जाते हैं तो एग्जाम में आराम से आपका काम बन जाएगा कैसे

एपेक्स लेबोरेटरी का केस ला सकता है या पाइनियर जो ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए है उसका केस लॉ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है

कि अगर मान लो आपको कोई भी जैसे जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है उससे रिलेटेड उनको एप्लीकेशन मनी मिला है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपोजिट किया था उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो आई एफ ओ एस में टैक्सेबल होगा और इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इशू एक्सपेंडिचर राइट आंसर इज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इशू एक्सपेंडिचर के आगे आप सेट ऑफ कर सकते हैं वेरियस एंटिटी में वेंटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस लॉ है मेटल एंड प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ दो देखेंगे। ट्रस्ट में क्विंस एजुकेशनल सोसाइटी का केस जाएंगे टीडीएस टीसीएस में प्रसार भारती वाला एंड कॉर्पोरेशन बैंक वाला ठीक है ये दो केस लॉ आप द अपील उसमें ये मैंने पांच केस लॉज यहाँ पे दे रखे ये पांच केस लॉज आप देख के जाएंगे मुझे ये लगता है पेप्सी फूड वाला अभी भी आ सकता है वापस पेप्सी फूड वाला है वो वापस आ सकता है ये रीजन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड ये केस लॉज एग्जाम में आ सकता है एज वेल एज द ये सुनील वासुदेवा एंड स्पिना कॉम ये भी आप एटलीस्ट देख के जाएंगे और उसके साथ में पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में एक केस लॉ डी के शिवाकुमार टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कर्नाटक हाईकोर्ट का ये आप देख के जाएंगे ये केस लॉस कहां पे दे रखे तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको कॉम्पैक्ट का नंबर भी दे रखा है कि कॉम्पैक्ट में पेज नंबर कौन से पेज पर पे दे रखे है लास्ट में मैंने दे रखा है यस पीपल ऑल द बेस्ट डू द बेस्ट राइट द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट डोंट वरी अबाउट दैट आप आराम से क्लियर कर लोगे अगर आपने ढंग से एफर्ट मारे तो और ढंग से मारने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास में करके ठीक है तो उसके बाद में मैं बताऊँ पीजीबीपी में मैंने आपको ज्यादा दिया नहीं है अगर आप पीजीबीपी देखेंगे इतना बड़ा टॉपिक है उसमें साठ क्वेश्चन है बट अगर यहाँ देखेंगे तो आपको ओनली क्वेश्चन नंबर वन एंड नाइनटीन यहाँ पे मैंने दे रखा है टू क्वेश्चन और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट एंड टू टोटल टेन क्वेश्चन ही मैंने पी में बोला है और टेन क्वेश्चन ही क्यों बोला है? क्योंकि मैंने आपके बड़े बड़े क्वेश्चन तो वन में कवर हो गया जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन में कवर हो जाएगा और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ना टू सिक्स नाइन इलेवन ट्वेंटी फोर फोर्टी एट फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी एट इट्स वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जैसे वो इंडिया से वो फ्लाइट जाता आता है उसमें कितना डीम्ड इनकम माना जाता है वो वाला कॉन्सेप्ट है करके ठीक है तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तो आप ध्यान देंगे एक और चीज इस बार आप ध्यान रखेंगे एक सेक्शन जो 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 होती है ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर वाली वो के लिए हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं उसमें क्या होता है कि वन थाउजेंड रुपीज पर टन का इनकम माना जाता है और अदर व्हीकल के किस में सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इनकम माना जाता है उस पार्ट को आप ध्यान रखेंगे बिकॉज देर में भी पॉसिबिलिटी के दे मे आस्क यू सम एमसीक्यू ऑन दिस पार्ट ठीक है चलिए गाइस तो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें हैं ये वाली फाइल आपको कहां पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी सिक्वेंसिंग को बिठा लीजिए और ये ये चीजें हैं वो आपको एग्जाम में करके जाना है आप आराम से क्लियर हो जाएंगे एक और चीज समझना बेटा जो भी आप आज हार्डवर्क कर रहे हैं मुझे ये लगता है इसका रिजल्ट मिलेगा इसका फ्रूट मिलेगा आप बहुत बार ऐसे हो जाता होगा डीमोटिवेट हो जाते होंगे कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग किस जोन में जी रहे हैं बिकॉज जब एग्जाम होते हैं आपको पता रहेगा करके बहुत सारे लोगों के डार्क सर्कल डार्क सर्कल आ गए होंगे बहुत सारे लोगों ने वेट गेन भी कर लिया होगा बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है बहुत बार ऐसे एक पल भी ऐसा लगता होगा कि यार क्या कर रहे हैं अपन लोग क्या हो रहा है बट मैं बता दू जो आप मेहनत कर रहे हो ना इसका रिजल्ट मिलेगा मैंने एक चीज है ना लाइफ में बड़े बड़े इससे रियलाइज की है कि शायद है ना भगवान जो होता है भगवान या ऐसी कोई पावर कोई भगवान को मानता है नहीं मानता आई डोंट नो कि लाइक बट मैं बता दू डिपेंड करता है करके ठीक है बट ऐसी एक पावर तो है जो अपन सबको चला रही है नहीं तो इतनी चीज़ें हर चीज़ इतना सिस्टमैटिकली थोड़ी चल रही होती दुनिया में देखोगे सब चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली चल रही है कोई ना कोई तो ऐसी पावर है जो हम सबको चला रही है और मैं एक बात बताऊं वो जो पावर है ना उसके लिए शायद आपके लिए कुछ चीजें बहुत बेटर लिख रखी है उसने और वो तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे करके ठीक कर। है और मैं मैंने तो लाइफ में फेस किया है ये सब चीज़ें मैं बताऊं ना आई क्वालिफाइड द सीए इन द 2011 नवंबर में मेरा सीए हुआ था 2011 से लेके एंड 2016 तक ये जितने भी लास्ट के जो छः साल थे पाँच छः साल मैंने मुंबई में पढ़ाया और मुंबई में मैं पूरे दिन मैं ट्रैवल करता था मैं बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाता था पूरे दिन ट्रैवलिंग में जाता था बहुत मेहनत करता था मुझे बहुत बार ऐसा लगता था मैं क्या कर रहा हूँ यार लेकिन शायद भगवान को पता था कि नहीं यार इस बंदे के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा लिख रहा था एंड वैन टू थाउजेंड में आपको पता है जब जियो आया जब यूट्यूब आया हमने भी ऑनलाइन चालू किया एंड उसके बाद मैं ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया मेरा प्रिवलेज है कि इतने सारे बच्चे मेरे से पढ़ते है करके ठीक है दिस इज माई प्रिवलेज बट मैं बताऊँ ना वो जो फाइव ईयर्स थे ना वो फाइव ईयर्स जितना मैंने हार्डवर्क किया था ना उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जब मैं मार्केट में आया या जब मैं ऑनलाइन आया तो मेरे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स थे मैं अपने आप में इतना अच्छे से रिफाइन था जिससे लाइक मेरी लाइफ जो चेंज हुई बहुत सारे बच्चों की लाइफ चेंज हुई मैं बताऊं आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया जिसका हैंड रिटन बुक्स आया था या हैंड रिटन नोट्स जो बोलते हैं करके ठीक है टुडे लाइक यू नो दैट सबके नोट्स आ रहे बट आई वॉज द फर्स्ट वन इन 2017 व्हेन वी हैव स्टार्टेड द हैंड रिटन बुक और जिसका हैंड रिटन पहले तो एक्चुअल हैंड रिटन बुक आती थी फिर उसके फॉन्ट वगैरह आने लगे एंड ऑल वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने क्या किया था पहली बार रिविजन लेक्चर डाले थे आप अगर देखोगे मेरे चैनल पर तो टू में आपको रिविजन लेक्चर दिखेंगे जहाँ पे डी के रिविजन लेक्चर हमने डाले थे तो मेरे को ये लगता है ना कि वो फाइव इयर्स जो मैंने मुंबई में इधर उधर पढ़ाया मैंने बहुत हार्ड वर्क किया बहुत मेहनत की वो शायद मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया मेरे को अपने आप में इतना रिफाइन बनाया कि जब मैं यहाँ पे आया तो लाइक like, मैं अच्छे से कर पाया चीज़ों को और मैं बता दूँ आप जो आज हार्डवर्क कर रहे हो आप जो जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना ये शायद कोई ना कोई ऐसी पावर है जो आपसे करा रही है और इसका आपको फ्रूट मिलने, मिलने वाला है इसका आपको फल मिलने वाला है सही टाइम पे मिलेगा बिल्कुल टेंशन मत लो अपने आप को थोड़ा मतलब इमोशन से थोड़ा दूर रखो ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में सोचना है जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो जस्ट आप उस पर फोकस करिए जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो ना सिर्फ आप उस पर फोकस करोगे ना तो सच में लाइफ चेंज होगी और होने वाली है मैं बताऊँ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है करके ठीक है सो गाइज दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड शायद ये लास्ट लेक्चर रहेगा मई टू वालों के लिए तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा क्या हम लोग मिलते रहेंगे क्योंकि हर कोई बोलता है जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे मैं बोलता हूँ मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे और जब भी आप मुंबई आओ जब आप सी ए के आते हैं आज भी मैं दो तीन बच्चों से मिला जो कि एम के कहीं किसी छोटे से गाँव से आए थे यहाँ मेरे से मिलने आए थे मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं सी बनने के बाद मेरे से मिलने और मैं बता दूं आपको ये आपके लिए मोटिवेशन मानो कुछ भी मानो आप तभी मेरे से मिलना जब आप सी बन जाओ सो जस्ट कंप्लीट योर सी एंड उसके बाद आओ मिलने अपन लोग पार्टी करेंगे मेरी साइड से ट्रीट रहेगी वो वाली करके ठीक है और उसके बाद जब आपकी सैलरी आ जाएगी उसके बाद वापस मिलेंगे और वो वाली ट्रीट आपकी साइड से रहेगी थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन ऑफ टूडे फ्रॉम माई साइड